जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सेंट्रल फोर्सेस खरीदेगी डीआरडी द्वारा डिजाइन की गई स्वदेशी कार्बाइन। भारत का स्वदेशी एचएसएलडी एरियल बॉम्ब अपने मास प्रोडक्शन के लिए तैयार। भारतीय रक्षा मंत्री ने 10 टन तक की कैटेगरी वाले हेलीकॉप्टर्स को स्वदेशी तौर पर डिजाइन करने के लिए कहा। अरुणाचल प्रदेश में गलती से आर्मी के जवानों ने फायर किया 2 सिविलियंस पर। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट हमले के दौरान मिलिट्री को डिप्लॉय करने के लिए केंद्र ने पंजाब से मांगे थे 7.5 करोड़ रुपए। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कई सारी सेंट्रल एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस, जिनमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है, तो इन सभी फोर्सेस को आने वाले कुछ ही महीनों में डीआरडी द्वारा डिजाइन की गई जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि जेवीपीसी से इक्विप्ड किया जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिटी पुलिस इन जेवीपीसी कार्बाइन्स की करीब 5000 यूनिट्स को खरीद सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेवीपीसी 5.56 mm कैलिबर वाली एक सब मशीन गन है और 2014 तक इसे मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन यानी कि MSMC के नाम से जाना जाता था। इसे डीआरडीओ की ARDE लेबोरेटरी ने डिजाइन किया है और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। बाकी इस कार्बाइन की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो है करीब 200 मीटर और ये 800 से 900 राउंड पर मिनट के रेट से फायर करने में सक्षम है। और सोर्सेस का ये भी कहना है कि जेवीपीसी कार्बाइन यूपी पुलिस और CISF फोर्सेस द्वारा भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि DPSU यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा 450 किलोग्राम के हाई स्पीड लो ड्रैग यानी कि HSLD बॉम्ब्स की 780 यूनिट्स के प्रोडक्शन को फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। और जबकि यंत्र इंडिया लिमिटेड की यूनिट ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर ने सफलतापूर्वक 250 किलोग्राम के HSLD एरियल बॉम्ब के पायलट लॉट को भी विकसित किया है और ये भी अब अपने बल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार है। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 5-9 सैंपल्स 31 मार्च 2022 को ऑर्डेंस फैक्ट्री खमरिया को भी सप्लाई किए गए हैं। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये स्वदेशी HSLD बॉम्ब्स हैं, तो इनका इस्तेमाल दुश्मन के रनवेज, उनके रेलवे ट्रैक्स, उनके ब्रिजेस, डॉक्स, बंकर्स, इन सभी को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। और ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स में इक्विप्ड करके प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकते हैं। और ये शॉर्ट रेंज के एयर ड्रॉप प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस में आते हैं। और जबकि इसी का एक 500 किलोग्राम वाला वर्जन भी है जिसे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही है। और इस बॉम्ब के भी 2 खास वेरिएंट हैं, एक है जनरल पर्पस बॉम्ब और दूसरा है प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब। आज हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर्स की डायमंड जुबली कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारी फोर्सेस की सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हाल के सालों में भारत सरकार द्वारा किस तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काफी ज्यादा काम किया गया है। और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि भारत जैसे एक विशाल देश की सुरक्षा का जो भार है वो हम लंबे समय तक के लिए दूसरे देशों के कंधों पर तो नहीं रहने दे सकते हैं, और इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने खुद के ही कंधे मजबूत करने होंगे। और उनका यह भी कहना था कि अगर दुनिया में शांति कायम रखनी है तो राष्ट्रों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और उनकी सुरक्षा के लिए सैन्य रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ भारतीय रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि 5-10 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन करने, उन्हें डेवलप करने और उनके ऑपरेशन के लिए भारत ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया है, लेकिन अब हमें ग्लोबल लीडर बनने के लिए 10 टन तक की कैटेगरी वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डिजाइन में भी अपनी प्रगति की आवश्यकता है। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमें ऐसी 2 पीढ़ियां मिलेंगी जिनका चेतक से साक्षात्कार हुआ है। एक पीढ़ी 16th सेंचुरी की थी जिन्होंने महाराणा प्रताप का चेतक देखा था, और एक पीढ़ी हमारी और आपकी भी है जिन्होंने चेतक को देखा है और आज उसकी डायमंड जुबली हम सभी मना रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम चेतक हेलीकॉप्टर्स की डायमंड जुबली बना रहे हैं, और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में चेतक हेलीकॉप्टर्स ने एक ग्लोरियस सर्विस प्रोवाइड करी है। और चेतक हेलीकॉप्टर से जुड़ी ऐसी कई सारी स्टोरीज है जिनको अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उनसे प्रेरित जरूर होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये डायमंड जुबली है ये हमें कहीं ना कहीं इस बात की भी याद दिलाती है कि हमारे सिस्टम में भी एक ऐसी बहुत बड़ी कमी है जिसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर करने की जरूरत है। और वो कमी है कि हमारी जिन मशीन्स को रिप्लेसमेंट की जरूरत है उनके रिप्लेसमेंट में लगने वाला लंबा समय, और जब हम इन मशीन्स को इनकी लाइफ से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं फिर ये हमें ही दिक्कत देने लगती है, और जिसके परिणाम स्वरूप आज तक ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें हमने अपने कई सारे वीर योद्धाओं को खोया है। और बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। पीटीआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा गलती से 2 सिविलियंस पर गोली चलने वाला मामला सामने आया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में जिन 2 सिविलियंस को गोली लगी है तो उन्हें घायल अवस्था में पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और फिलहाल उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। और वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना पर विरोध जताते हुए सरकार से घायलों को मुआवजा और अन्य सहायता मुहैया कराने की भी मांग की है। और जिन 2 सिविलियंस को गोली लगी है उनमें से एक का नाम है नौकफिया वांगदान जो कि 28 साल के हैं
और दूसरे का नाम है राम वांग वांगसू जो कि 23 साल के हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों दोपहर में पास की एक नदी से मछली पकड़कर वापस घर लौट रहे थे, तो उसी दौरान चासा गांव के पास तैनात आर्मी के जवानों ने उन्हें गलती से मिलिटेंट समझकर उन पर फायर कर दिया। और जब इसके बाद आर्मी के जवान दोनों लोगों के पास पहुंचे तो उन्हें गलती का एहसास हुआ और फिर आर्मी द्वारा तुरंत ही उन दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और फिलहाल अभी तक इस घटना को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन सोर्सेज का यह कहना है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला है। और बाकी अच्छी बात यह है कि जिन दो सिविलियंस को गोली लगी थी तो वे दोनों के दोनों खतरे से बाहर हैं। और तिरप जिले के बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई है। और बाकी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में इंडियन आर्मी की 12 पैरा एसएफ यूनिट इन्वॉल्व थी, लेकिन ये सारी जानकारी पूरी तरीके से कंफर्म तभी हो सकती है जब इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। और इसलिए हम आप सभी को यही कहेंगे कि इस घटना पर आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का इंतजार करें। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है कि भारत ने पिछले 3 सप्ताह में स्वदेशी इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स की खरीद के लिए कई सारे ऑर्डर्स दिए हैं ताकि भारत अपने डिफेंस कैपिटल फंड्स को एग्जॉस्ट कर सके, क्योंकि प्रतिबंधों से प्रभावित रशिया के लगभग 11,500 करोड़ रुपए के निर्धारित भुगतान को भारत फिलहाल अभी पूरा करने में असमर्थ था। और चूंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं और रशिया के साथ रूबल्स में पेमेंट वाला जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पाया, और इसलिए भारत के डिफेंस कैपिटल बजट का इस्तेमाल स्वदेशी हथियार और इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पहले योजना ये बनाई गई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंत तक रशिया के जो करीब 11,500 करोड़ रुपीस तक की पेमेंट है उसे क्लियर कर दिया जाएगा, पर चूंकि उससे पहले ही रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लग गए तो इस वजह से रशिया को वो पेमेंट नहीं हो सकी, और इसलिए ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले जो बजट बचा हुआ था तब उसका इस्तेमाल हो रहा है भारत से ही स्वदेशी वेपन्स और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। और बाकी रशिया का जो बचा हुआ पेमेंट है तो वो अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि उसे किस तरीके से क्लियर किया जाए। और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अभी वर्तमान समय में कोई भी इंडियन बैंक नहीं है जो कि रशिया के साथ किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए एग्री हो रहा हो। अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है जिसमें उनका यह कहना था कि 2016 में जो पठानकोट में हमला हुआ था तो इस हमले के दौरान मिलिट्री को भेजने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पंजाब से 7.5 करोड़ रुपए मांगे थे। उनका यह भी कहना था कि साधु सिंह और वे श्री राजा सिंह से मिलने गए थे और उनसे कहा कि मेरे सांसद निधि से कटौती कर लें, लेकिन पंजाब को लिखित में दें कि वो देश का हिस्सा नहीं है और किराए पर भारत से सेना ली है। अब बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री के इस दावे में कितनी सच्चाई है तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि उनसे 7.5 करोड़ रुपए मांगे गए थे पठानकोट हमले के दौरान मिलिट्री को डिप्लॉय करने के लिए, और इसी को लेकर वे श्री राजनाथ सिंह के पास गए थे। पर चूंकि यहाँ पे बात हो रही है 2016 की और 2016 में श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री नहीं बल्कि वे उस समय गृह मंत्री थे, उस समय के रक्षा मंत्री थे श्री मनोहर पर्रिकर जी। तो अगर मिलिट्री को डिप्लॉय करने के पैसे मांगे गए हैं तो उन्हें गृह मंत्री की बजाय रक्षा मंत्री के पास जाना चाहिए था, लेकिन वे गृह मंत्री के पास गए थे। तो उसका मतलब यहाँ पे यह हो सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के यहाँ पे मिलिट्री से कहने का मतलब हो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF और उसमें भी खास करके एनर्जी कमांडोज। तो अगर पंजाब के मुख्यमंत्री के यहाँ पे मिलिट्री से मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF से ही है तो आपको बता दें कि भारतीय गृह मंत्रालय की पॉलिसी के मुताबिक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिस भी स्टेट में डिप्लॉय की जाती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को उनके डिप्लॉयमेंट के लिए चार्जेस पे करने होते हैं, और ये चार्जेस हर एक कुछ स्टेट पर लागू होते हैं जहाँ पे CAPF डिप्लॉय होती है। और ये पॉलिसी अभी से नहीं है बल्कि कई दशकों से है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जनवरी से 27 जनवरी तक CAPF के अंडर आने वाली CRPF की 11 कंपनीज और BSF की 9 कंपनीज को भी एयरबेस के पास डिप्लॉय किया गया था। और बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री के इस दावे पर आपके जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जबकि पिछले साल 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया था कि 2019 में तैयार की गई लेटेस्ट पॉलिसी के अनुसार राज्यों में CAPF फोर्सेस के तैनाती के लिए जो चार्जेस लगते हैं तो फिलहाल उनमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, और पॉलिसी के मुताबिक कुछ स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरीज तो केवल इन्हें ही CAPF के डिप्लॉयमेंट चार्जेस हैं वो केवल 10% ही पे करने होते हैं, और जबकि बाकी के जो राज्य हैं उन सभी को CAPF के डिप्लॉयमेंट के फुल चार्जेस ही पे करने पड़ते हैं। और एक डेटा के मुताबिक 2021-22 में जो चार्जेस हैं ये नॉर्मल एरियाज के लिए हैं 17.36 करोड़ रुपीस पर एनम, हाई रिस्क वाले एरियाज के लिए हैं 28.85 करोड़ रुपीस पर एनम और मॉडरेट हार्डशिप एरियाज के लिए है 37.93 करोड़ रुपीस पर एनम, और ये हाई रिस्क और हाई हार्डशिप जोन्स के लिए है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच रशियन विदेश मंत्री के साथ हुई मुलाकात में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के बीच शांति को स्थापित करने के लिए भारत किसी भी तरह का योगदान देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रशिया यूक्रेन के इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही US मिलिट्री ने अपने मिनिटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट को कैंसिल कर दिया है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल कमर बाजवा
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन में रशिया के हमले की भी निंदा करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यूक्रेन में रशिया के इस मिलिट्री ऑपरेशन को एक बड़ी ट्रेजेडी की तरह बताया है और ये भी कहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि छोटे नेशंस के खिलाफ एक तरह का एग्रेशन है। और ये बड़े कमाल की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो इस पूरे मामले पर न्यूट्रल पोजीशन बना के बैठे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वे तो रशिया की यात्रा पर भी थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से इस पूरे मामले पर जो ये बयान दिया गया है तो उसने तो इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की पोजीशन को ही बदल दिया है। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वो रशिया की निंदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वे अभी इसमें न्यूट्रल पोजीशन पर हैं, यानी कि वे ना तो रशिया के खिलाफ है ना यूक्रेन के खिलाफ। और इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी चीफ का यह भी कहना है कि भारत के साथ जितने भी डिस्प्यूट्स हैं तो उन सभी को डायलॉग के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो 9 मार्च को एक्सीडेंटल फायरिंग वाला मामला हुआ था तो उसको लेकर यह कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान को इस तरह का एविडेंस दे जिससे पाकिस्तान ये सुनिश्चित कर सके कि वो भारत के हथियारों से सेफ और सिक्योर है। वैसे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का अस्तित्व अभी तक बना हुआ है तो इससे बड़ा एविडेंस और कुछ हो सकता है क्या? बाकी इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और श्रीलंका सरकार ने 36 घंटे तक के लिए देश भर में कर्फ्यू लगाया है क्योंकि श्रीलंका में फूड फ्यूल और पावर शॉर्टेज होने की वजह से वहां पे प्रोटेस्ट शुरू होने की संभावना बढ़ चुकी है। और बाकी श्रीलंका की मदद के लिए भारत की तरफ से करीब 40,000 मेगाटन तक का डीजल श्रीलंका तक पहुंचाया गया है ताकि उनकी जो पावर शॉर्टेज है उसे किसी तरीके से दूर किया जा सके। रिपोर्ट्स हैं कि श्रीलंका ने बांग्लादेश से भी करीब $250 मिलियन तक का लोन के लिए रिक्वेस्ट की है। और आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका की इस इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंडीशन के लिए चाइना भी मुख्य कारणों में से एक है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2015 में इंडियन आर्मी के गनर जागेश्वर ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में सिपाही शैलेश कुमार सिंह ने भी अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2004 में एयरक्राफ्ट क्रैश में भारत के एयर वॉरियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट गगन ओबेरॉय और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक मयूर ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज का ही वो दिन है जब 1979 में इंडियन आर्मी की मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट को स्थापित किया गया था और इसलिए आज इंडियन आर्मी की मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट का रेजिंग डे भी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और बाकी जाते जाते हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।